नमस्ते ह्यूमन प्लैनेट्स चैनल को आप लोगों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। हैप्पी दिवाली। थोड़ा तबीयत ठीक नहीं था इसलिए आपके सेवा में टाइम पे नहीं आ पाया, इसलिए माफी चाहता हूँ। ये जो आगे 12-13 दिन रहा उसी टाइम में मैं कोशिश करूँगा, अगले महीना का जो दिसंबर महीना आ रहा है, दिसंबर महीना का 12 लग्न का रिजल्ट कैसा है, किस तरह का होगा, और मैं प्रेडिक्शन बनाने की कोशिश फुल करूँगा। बात कीजिए, अगर बात बोल रहा हूँ चैनल पे, कोई हिताकांक्षी बंधु ने ही क्वेश्चन किए थे कि सर ये जो आप बता रहे हैं ये क्या सब सही है, ऐसा होगा क्या। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बात बता रहा हूँ। एस्ट्रोलॉजी ये ज्योतिष शास्त्र एक विद्या है जिसको कंप्लीट किए थे स्वयं महादेव ने, शिव जी ने इसको सिर्फ कंप्लीट किए थे, ना आज तक किसी ने इसको कंप्लीट किया नहीं है। जो भी बोल रहा है ये बाएं तरफ का कितना कितना सारी डेजिग्नेशन लगा रखा है, ये डॉक्टर लगा है, ज्योतिर्विद, ज्योतिषाचार्य, गोल्ड मेडलिस्ट, वो सब नहीं है। कोई नहीं बता सकता कि काल क्या होगा, क्योंकि कर्ण और अर्जुन की जो चैप्टर थे उसमें कर्म को मेनली प्राधान्य दिया गया है। अगर आदमी को पता चल जाएगा कि काल मेरा क्या होगा तो कुछ नहीं करेगा कर्म के अनुसार, तो अपने आप बैठ जाएगा, सारे के सारे पैसा खर्च करने लगेगा, क्योंकि उसे पता है काल क्या होगा। काल पैसा आएगा मतलब तो आएगा, आज इतने सारे पैसा है तो खर्च कर देने से मतलब क्या होता है। तो यही बात को छुपा रखा है, ये एक स्थापित विद्या है ज्योतिष शास्त्र। काल के लिए कोई नहीं बता सकता, ऋषि पराशर ने यही कहा था, संदर्भ में उनका एक श्लोक था, हु कैन से एक्सेप्ट क्रिएटर ब्रह्मा व्हाट विल बी हैपन टुमारो, एंड ओनली द रीडर्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी ओनली दे कैन से व्हाट टाइप ऑफ सिचुएशन में टेक ए प्लेस इन फ्यूचर। गेज करके कोई बता सकता सच टाइप ऑफ इवेंट्स में अकर इन फ्यूचर। ओनली 50,000-5,00,000 देने से कोई ज्योतिष, कोई एस्ट्रोलॉजर जिनका बाएं तरफ में डेजिग्नेशन लगा रखा है कि डॉक्टर है, ज्योतिर्विद है, इंस्टीट्यूट चलाता है, मास्टर है, प्रिंसिपल है, माफी चाहता हूँ, मैं किसी को आक्षेप करके नहीं बता रहा हूँ, मेरा 22-23 साल का इसी रास्ते में पढ़ाई है, आज तक भगवान ना करे मेरे बाएं तरफ नाम से कोई कुछ डेजिग्नेशन जुड़े, और अगर 10 जन्म ले तब लगता है मेरे को कि ये जो पवित्र विद्या है इसको मैं कवरेज नहीं कर पाऊँगा। 10 जन्म ले तो मैं तो जस्ट छार, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, मेरा उतना साहस नहीं है, मैं बायां तरफ मेरा नाम के आगे एस्ट्रोलॉजर लगा सकता हूँ, कुछ नहीं है। और ये एक बात, आज तक कम से कम 2,000-2,500 हॉरोस्कोप मैंने देखा होगा। पहले से क्या होता था, मैं अपना हॉरोस्कोप लेके बहुत बड़े बड़े ज्योतिष के पास जाता था, 100 रुपया से शुरू करके 2,000 रुपया तक मैंने ही दिया है। लास्टली कंक्लूजन में यही मेरे को मिला कि मेरा पास्ट कर्म के अनुसार मुझे रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, और इसी जन्म में जो कर्म कर रहा हूँ उसका स्टोरेज होकर अगले जन्म के लिए रहा है। कोई एस्ट्रोलॉजर ऐसा, कोई किसी का नसीब को बदला नहीं सकता, ना ही कोई दुनिया में ऐसा पैदा हुआ है। ऐसा अंगूठिया लगा देने से, ऐसा कर देने से, ऐसा कर देने से कुछ नहीं हो जाता है। अगर होता तो खुद अपना परिवार के अपने बच्चों के लिए ये सारे जमीन जायदाद बेच के सारे अंगूठियाँ लगा देते तो करोड़पति बन जाते। तो लोग खुद के लिए क्यों नहीं करता है, दूसरे को क्यों ये एडवाइस देता है, ये लगा लीजिए, ये कर लीजिए, आपका
नसीब बदल जाएगा, आपका फेट, आपका भाग्य बिल्कुल साफ हो जाएगा। जितने किरे कचरा है आपका भाग्य के रास्ता में, वो सब साफ हो जाएगा। प्रकृति को हमने दिया क्या है कि जो प्रकृति से हम एक्सपेक्ट करेंगे, आशा करेंगे हमें मिलेगा, दिया तो कुछ नहीं है, आशा क्यों करेंगे? प्रकृति को दिया होगा तब तो हमें कुछ मिलेगा ना। धान खेत से निकलता है, सारे के सारे धान के ऊपर हक उसी का नहीं होता है। उसी धान में चूहा का होता है, चिट्टी का होता है, चोर का होता है, ये जो बातिया वगैरह का उनका भी होता है। जितने लास्ट बचत हुआ उसी में उसका शेयर है। ऐसा नहीं है कि जितना करप्शन मनी हमारा पॉकेट में आता है, बड़े बड़े अफसर लोग पकड़ तो जाते हैं, किसी ने सीबीआई के झांसे में आया तो किसी ने क्राइम ब्रांच के झांसे में आया, पता नहीं उन लोगों का घड़ा भरता नहीं है। और चाहिए और चाहिए और चाहिए, कितना करप्शन में डूबा हुआ है। माफ कीजिएगा, उसी तरह का फर्ज को जिंदगी में मैंने कभी देखा नहीं और देखने को डायरेक्टली मैं मना कर देता हूँ। और एक खुशी की बात है, आज तक जो 2,500-3,000 हॉरोस्कोप मैंने देखा है, एक रुपया भी किसी से मैंने आज तक नहीं लिया है, ना लेने का। नौबत आए भगवान से मेरा यही प्रार्थना है, अगर किसी का दुख का पीड़ा का समय में मैं किसी का काम आ सकूं तो उससे मेरा ज़्यादा बड़ा भाग्य कुछ नहीं हो सकता। ऐसा ऐसा बता के ये पवित्र विद्या को नहीं करना चाहिए। क्या है वो लोग? भगवान है। भगवान से ऋषि पराशर ने इन लोगों को डेजिग्नेशन दिया गया है उनकी तरफ से, उनके इंस्टीट्यूशन में वो क्लास करते थे क्या? ऐसा नहीं है, बता रहे हैं बहुत कुछ, दुकान खोलना रखा है। जाते कौन जबकि किसी का समय बहुत खराब पड़ता है, उसी टाइम में उसी लोगों का मजबूरी का फायदा उठाता है वो दुकान देने वाले है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे से, कोई क्या करता है ये, सॉरी मेरा चैनल पे ये डिस्कस नहीं करना चाहिए था। मगर इमोशनली मेरा एक क्लाइंट, मतलब मेरा एक व्यूअर ने क्वेश्चन किया था, उनके लिए सिर्फ मैं यही बता रहा था। कोई इंटरेस्ट ले आपका बात डिटेल मेरे कमेंट सेक्शन में, या मेरे को मैसेज कर सकते, डायरेक्टली मेरे से आप व्हाट्सएप की नंबर ले सकते, कितना भी कोशिश करें, कितना भी टाइम मेरा जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ देर हो सकता है क्योंकि मेरा प्रोफेशन कुछ अलग सा है, मैं रेफ्रिजरेशन एसी इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट का प्रोफेशनल हूँ, तो मेरा बहुत सारे काम प्रोजेक्ट वगैरह होता है। कहीं फंस गया तो किसी काम में आपको आपका हॉरोस्कोप में देख नहीं पाऊंगा तो माफ कीजिएगा, मगर जरूर देखूंगा, 100% देखूंगा, और वो बिना शुल्क, एक भी पैसा ना लिए। पैसा की बात कोई करे तो माफ कीजिएगा, मेरे से कॉन्टेक्ट मत कीजिएगा, सॉरी। तो आज हम मेष लग्न दिसंबर 2020 के लिए देखते हैं प्लैनेटरी पोजीशंस कैसा होता है। इमोशनली ये बात बता दिए, माफ कीजिएगा, किसी को आक्षेप करके मैंने ये सब नहीं कहा है। और हाँ, ये नया नया चैनल है मेरा, कोई व्यूअर आए ना आए, कोई सब्सक्राइब करे या ना करे, मेरे से कुछ मतलब नहीं है। बस मैं मेरा अपना नॉलेज को शेयर कर रहा हूँ। किसी को पसंद आए मेरे चैनल पे आए देखे, किसी को नहीं आए तो आप जाइए मत, आइएगा मेरे चैनल पे, ये मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी का। और जो दोस्तों ने पूछा कि यही आप जो बता रहा है वो क्या सच होगा, देखिए किसी भी हॉरोस्कोप को देखने के लिए कम से कम उसका नवांश चाहिए, 100% बर्थ रिटेल ठीक होना चाहिए। नवांश डिवीजन, नक्षत्र डिवीजन, अष्टक वर्ग का डिवीजन, कौन सा टाइम चल रहा है, मतलब महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा, सूक्ष्म दशा, स्थूल दशा, ये सब देखना पड़ता है। तब तो किसी हॉरोस्कोप में कोई बोल सकता है कि हाँ हाँ ये टाइमिंग कैसा चल रहा है, आगे कैसा होगा, किस तरह का होगा। ऐसा ग्रॉसली 30% का रिजल्ट है जो प्लैनेटरी पोजीशंस चेंजेस होता है। तो मान के चलिए कि ये मेष लग्न है एक नंबर का, यहाँ एस्केडेंट लिखा है मैंने। मेष लग्न के लिए आकाश का जो स्थिति है इस तरह का है, तो मान लीजिए आपका
अभी 10th में गुरु और शनि है, गुरु मान लीजिए आपका हॉरोस्कोप में ठीक प्लेसमेंट में नहीं है, गुरु से मून का प्लेसमेंट डिस्टेंस 6, 8 और 12th पोजीशन है, षष्ठाष्टम और द्वादश, ये तो एक शकटायोग की क्रिएशन है। शकटायोग बहुत नेगेटिव नेगेटिव सन नेगेटिव योग है, जिस योग में आदमी जन्म लिया है तब तो सारे लाइफ उसका डिसटिस्फेक्शन ही चलेगा, डिसटिस्फेक्शन ही चलेगा। कितना सारे रिलेटिव्स होने से भी उसको महसूस होगा कि दुनिया में मेरा कोई नहीं है, कितने भी पैसा आए तो गरीबी का वो महसूस करेगा ही करेगा, अगर बृहस्पति से मून का प्लेसमेंट 6, 8 और 12th का हो तो। हॉरोस्कोप में किस तरह का प्लानिटरी पोजीशन से उसको पहले देखना पड़ेगा, इस तरह का बताने से कोई इंडिविजुअल हॉरोस्कोप के बारे में नहीं बताया जा सकता। तो दोस्तों, मेष लग्न के लिए आपका 16 नवंबर से सन का प्लेसमेंट चेंज हो गया है ऑलरेडी, तो दिसंबर का महीना का ये प्रेडिक्शन है। 15 दिसंबर को धनु को आ जाएंगे और मूल नक्षत्र में रवि का प्रवेश होगा। 28 दिसंबर को पूर्वाषाढ़ में, 10th जनवरी को उत्तराषाढ़ में चले जाएंगे। तो मून आपका 5th का लग्न है, आपका ये आज के टाइम 1 नंबर का होता है ना, ये आपका लग्न होता है, 5th का पोजीशन है, पंचमाधिपति है, जो क्रिएशन जो क्रिएटिविटी एक्टिविटीज होता है उसका लॉर्ड है आपका रवि, और रवि है अष्टम की प्लेसमेंट में। रवि 15 दिसंबर तक को आपको कसरस रहना पड़ेगा, क्योंकि रवि आपका 8th पोजीशन में है और फुल फोकस में है राहु का। क्रिएटिविटी एक्टिविटीज आपका कुछ कराया नहीं दिया जाएगा इसके वजह से, ये एक माया का प्लानेट है, लगेगा कि इतना सारे मिल जाएगा मेरे को, मिलेगा नहीं कुछ, मिलेगा नहीं कुछ, आपका लगेगा कि बहुत सारे मिल जाएगा मेरा, ये तो वो तो मैं वो उसी के अनुसार कर्म कर रहा हूँ, मगर मिलेगा नहीं कहाँ तक ना, ये 15 दिसंबर तक आप किसी कंडीशनल चीज में हाथ मत डालिए। और ये आपका मंगल आपका अष्टांग लग्न का लॉर्ड होता है 12th में, जो इगोजिम होता है, मैं आदमी का जो इगोइजिम होता है, जो एरोगेंट होता है, थोड़ा कम कीजिएगा, कहीं इसको एक्सप्रेस नहीं कीजिएगा कम से कम 15 दिसंबर तक। और यहाँ केतु के साथ मून का पोजीशन, केतु के साथ सन का पोजीशन है बुध आपका, 8 दिसंबर तक यहाँ रहेगा, 8 दिसंबर के बाद 17 दिसंबर वो चले जाएगा फिर धनु को। और बुध आपका 3rd पोजीशन का लॉर्ड है और 6th का है, 3rd का है और 6th का है, अगर कपल लाइफ है तो जुबान पे लगाम लगाइएगा, इसी को लेकर कुछ ना कुछ कटकटा किचकिचा ही होगा। फिर भी शुक्र आपका सप्तम में है, आपका पाउस के लिए, आपका बिलो हेड के लिए, आपका पत्नी के लिए कुछ ना कुछ खर्चा ही करने जाएंगे आप, जो मार्केटिंग वगैरह वगैरह है ऐसे इस तरह का कुछ खरीद सामान खरीदने के लिए। उसी तरह का एक सिम्टम्स आ रहा है आपका गुरु शनि का युति, आपका मकर साइन में है, ये एक स्पिरिचुअल प्लैनेट है शनि, मालेफिक होने से भी ये एक मेटेरियल प्लैनेट है बृहस्पति, दोनों का साथ। 30 अक्टूबर से वो उत्तराषाढ़ नक्षत्र में जा चुका है और शनि के साथ कंबाइन होकर मकर साइन में, मकर राशि में वो विद्यमान है। इनका फोकस में ये सेकंड हाउस राहु, राहु का जितना नेगेटिविटी है कम से कम वो कूल अप हो जाते ही बृहस्पति के एस्पेक्ट में, तो इसलिए राहु जितना कर सके वो कर तो रहा था, मगर ये बृहस्पति की फोकस में कम से कम कूल अप हो जा रहा है। बाकी शनि शनि आपका 12th पोजिशन मंगल फुल फोकस में है, मंगल आपका लग्नाधिपति है 12th पोजिशन में है, ये एक्सपेंडिचर का हाउस है, पैसा आएगा तो आएगा मगर जितना आएगा 5 आएगा तो आपका 10 खर्चा ही होगा, स्टोरेज नहीं करने देंगे ये अभी के अभी।
इस तरह का टाइम आपका चल रहा है, इगोइज्म मत कीजिए, एरोगेंट की बात कहीं मत कीजिए, आपका स्पीच में थोड़ा कंट्रोल कीजिए, चाहे वो फैमिली में होना क्यों, क्योंकि फैमिली हाउस में राहु है, किसी को कुछ अच्छा सलाह देने से सिचुएशन बिगड़ जाता है, किसी को कोई मानेगा नहीं कि वो आप अच्छा सजेशन देता है, सलाह देते हैं। तो जितना हो सके जुबान पे लगाम लगाइए, कम से कम बोलिए। आपका दिसंबर 6 एंड 8, 6 तारीख और 8 तारीख को 6 मून का ट्रांजिट होता है। ये कन्या साइन में मून का ट्रांजिट होता है। ये दोनों डेट थोड़ा हिचका हचाच, मतलब किसी के साथ क्वारल, किसी फाइनेंस को पैसा वगैरह का लेकर किसी के साथ हिचकिचाहट हो सकता है, तो संभाल के रहिएगा। और 8 मून आपका 12-14 जो ये पोजीशन 8 मून ट्रांजिट करता है 12 तारीख से 14 तारीख, ये 8 पोजीशन 12, 14 और 22, 23 ये दोनों डेट दिसंबर का 100% आप बे हुए रहिएगा। आपका बाइक कार वगैरह कुछ भी ड्राइविंग करते हैं तो 100% बे हुए यार सावधान रहिएगा, क्योंकि मून का ट्रांजिट यही होता है 12-14, 12 से 12-13-14, 21-22, वो 12 पोजीशन को आपका ट्रांजिट मंगल के साथ कर रहा है। सो 12-14 दिसंबर, 22-23 दिसंबर बे वेयर, बहुत सावधानी से आप गाड़ी चलाइएगा। कुछ इंस्ट्रूमेंट्स, हथियार, टूल्स वगैरह में आप अगर आप टेक्निकल का पर्सन है, काम कर रहे हैं, तो जरा संभल के कोई सर्पेंट वेपन, धारदार हथियार, धारदार रेंची, धारदार टूल्स वगैरह, उसमें आप काम करते हैं तो जरा कसस रहिएगा। छुरी ब्लेड वगैरह वो सर्पेंट वेपन को दर्शाता है आपका मंगल। तो 14 दिसंबर सूर्य ग्रहण होता है, दिसंबर 14 सूर्य ग्रहण होता है। ये ग्रहण जो पराविद्या की लाइन में है, जो सिद्धि कोई मंत्र या यंत्र या तंत्र की लाइन में है, उन लोगों के लिए अच्छा सा टाइमिंग है वो दिन। वो दिन क्या होता है कि आपका किसी भी मंत्र जाप करने से वो एक्टिवेशन हो जाते हैं, वो जीवंत हो जाते हैं, वो जीवन्यास हो जाता है। तो वो उसका टाइमिंग है आपका इवनिंग, शाम 7 बजे से मिडनाइट, मध्यरात 12:22 तक जो भी मंत्र आप हो सके आप कर रहे हैं अगर, तो वो मंत्र सिद्ध होने का बहुत चांसेस है अगर आप उसी लाइन का है तो, क्योंकि यहाँ बृहस्पति और शनि का फुल फोकस मिल जाता है आपका और वो मंत्र एक्टिवेट हो जाता है। आपका 4, 11, 17 और 24 ये चारों दिन मनी का फ्लो होता है मार्केट में, दिया है तब तो मिल जाएगा, लिया है तो आप दे देंगे, उस तरह का टाइमिंग होता है। जैसे कि शेयर मार्केट्स वगैरह, फोरेक्स का हो, आपका सेंसेक्स हो, वो उछल सा इस तरह का होता है उसी उसी दिन का, उसी उसी डेट का गज केसरी योग में। जबकि बृहस्पति से मून का सेंटर पोजीशन होता है तब तो गज केसरी योग पड़ता है। महीने में कम से कम गज केसरी योग 4 या 5 बार, कभी कभी 6 बार भी हो जाता है। तो आपका 4 दिसंबर, 11 दिसंबर, 17 दिसंबर और 24 दिसंबर ये पैसा के मामले में आपके लिए शुभ दिन है। लेन देन का मामले में कुछ है तो कीजिएगा, अगर लेना है किसी से जाइए, कुछ प्रॉब्लम नहीं, मिल जाएगा। देना है किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, सोच समझ कर दीजिएगा। बाकी के बाकी आपका नीच भंग राजयोग तो पड़ता ही बृहस्पति और शनि से, नीच भंग राजयोग जो एक्सपेक्टेशन है नहीं है आपका, जो आशा नहीं करता है, किया भी नहीं आशा कि ये सब होगा, उसी तरह का रिजल्ट आपको मिलेगा। नीच भंग राजयोग इसका मतलब नहीं है कि कोई भिखारी राजा बन जाएगा, कि कोई भिखारी राजा बन जाएगा, इस तरह का सिचुएशन नहीं आता है नीच भंग राजयोग में।
हाँ, अनएक्सपेक्टेशन कुछ दिमाग में नहीं था, उसी तरह का कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकता है। निजभंग राजयोग। बस राहु उसी के पोजीशन में है, 25 नवंबर से मृग राशि की नक्षत्र में है, केतु 27 जनवरी वो ज्येष्ठा को चले जाएगा, तो उसी तरह का प्लानिटरी पोजीशन से बेसिकली हॉरोस्कोप में, मैं बेसिकली लग्न चार्ट में मैं यही बता रहा हूँ, जो पॉजिटिव का डे है, जो अच्छा सा दिन है, उसके बारे में मैं ज़्यादा ट्रेस आउट नहीं करता हूँ, क्योंकि आदमी को चाहिए कौन सा नेगेटिव का डेट है, जिस दिन की वो कम से कम अपने तरफ से कसस रहेगा, सिंसियरिटी रहेगा। ये अच्छा दिन तो अच्छा दिन होता है, अच्छा तो सभी के लिए अच्छा ही होता है, जितना भी अच्छा आएगा इंसान का ही धर्म है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्या हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ, अच्छा वो तो मिलने को था मिल गया, होने को था हो गया, उसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये इंसान का नेचर ही ऐसा है। मगर जो नेगेटिव डेट्स है आपका लाइफ में, उसी तरह का जो डेट आता है, किसी को अच्छी से बात कर रहे फिर भी वो एनिमिटी हो जाता है, आपका बात उससे अच्छा नहीं लगेगा, अच्छा बोलने से उसे उतना बुरा लगेगा, तो समझेगा ही नहीं कि आप उसके लिए अच्छा बोल रहा है। उसी उसी दिन में इस तरह का रिजल्ट आपको मिलता है, जबकि मून 6, 8 और 12 पोजीशन ट्रांजिट करता है हर महीने में, उसी तरह का डेटेड्स आता है। तो प्लीज सिंसियर रहिए, वीडियो आज थोड़ा लंबी हो गया, तो आज के लिए इतना, फिर अगले महीने जनवरी के लिए आपके लिए लग्न चार्ट लेकर आऊँगा, कोशिश करूँगा 2021 आपके लिए कैसा रहेगा, उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देकर मैं एनालिसिस पहले करूँगा, तब उसके बाद कोशिश करूँगा अगले साल 2021 कैसा रहेगा, पर वो वीडियो कब आएगा ऐसा मैं एग्जैक्टली तो बता नहीं पा रहा हूँ, फिर कोशिश करूंगा कि जनवरी की फर्स्ट पीरियड में कैसा आएगा, मैं कोशिश करूंगा। आज के लिए बस इतने, विदा दीजिए, नमस्ते।